ठीक है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लगभग छोटी छोटी जो बातें हैं, जरूरी नहीं होता जैसे सिलेबस में लिखा है वैसे ही पेपर बनाए पेपर इधर उधर से ठीक है ओके चलता रहता है ठीक है ना दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा हो गई इसी की समितियां और ये सब चीजें फिर संघीय कार्यपालिका में संसद भी पढ़ लेंगे थोड़ी सी प्रधानमंत्री मंत्री, मंत्री परिषद इनको भी देख लेंगे उसके बाद मौलिक अधिकार कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व प्रमुख संशोधन सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था ये सब पॉलिटी हो जाता है और नीचे के जो टॉपिक दो लाइन में दिए हैं वो इकोनॉमिक्स हो जाता है तो भारत शासन अधिनियम ये वाला आज जल्दी से खत्म कर लेते हैं 1773 से हम संविधान का निर्माण मानते हैं तो लगभग सारे एक्ट थोड़े थोड़े हमें पढ़ना है 1919 और 1935 का विशेष सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं है। ये हैं कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर काम करती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ सेंटर बनाए थे उन सेंटरों में प्रमुख जो सेंटर आता है वो क्या होता था बंगाल हुआ करता था इसके साथ उन्होंने मुंबई और मद्रास में और यहाँ पर इनका अधिकारी जो गवर्नर कहलाता था इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर है अब वो क्या हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अंडर में हो जाती है और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उस समय का एक सबसे बड़ी अदालत या सर्वोच्च न्यायालय सत्रह में स्थापित किया गया जो सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो आपराधिक हो यानी क्रिमिनल हो सिविल हो या नेवी संबंधी हो और कंपनी के द्वारा एक तरीके से कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित प्रकार से प्रारूप बनाया जा रहा है उसकी शुरुआत हुई थी तो ये प्रमुख बात है सत्रह के एक्ट की सत्रह के एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए अगला एक्ट जो आया जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह के नाम से जानते हैं इस चौरासी के एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बना हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर यानी जो नीतियां कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा उसको फाइनल अप्रूवल के लिए किसके वो पास भेजी जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या इसी को हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ कंट्रोल ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल के सब सदस्य वगैरह ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे ठीक है ये प्रमुख बात हो जाती है फिर अगला एक सत्रह में आया विशेष कुछ नहीं है गवर्नर जनरल जो बंगाल का था अभी उसे क्या था कि चीफ कमांडर की पावर नहीं थी लेकिन इस एक्ट के द्वारा उसे मुख्य सेनापति की शक्तियां दे दी गई आर्मी अब उसके आदेश के अनुसार डिप्लॉय हो सकती थी ठीक है और यहीं पर इसको कि जो इनकी काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की जिसमें अंग्रेज होते थे तो उनके निर्णयों को ये कैंसिल कर सकता था यानी उस पर वीटो पावर इसे दे दिया जाता है तो आज हमारे देश में वीटो पावर जैसे मिला हुआ है ना राज्यपाल और राष्ट्रपति को कि जब कोई अध्यादेश भेजा जाता है वो बिल पास करके भेजा जाता है तो उसको वीटो कर सकते हैं अलग कंडीशन फिर अगला चार्टर अधिनियम जो थे हमारे देश में चार आए थे चार बीस बीस के अंतराल पर आते हैं सबसे पहला अधिनियम सत्रह सौ में, में बना था उस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि सभी कानून जो भारत में हैं चाहे धार्मिक हो चाहे वो सिविल uh, हो क्रिमिनल हो उन सब की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया न्यायालय को दे दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर कार्यभार था ब्रिटेन से उसे एकाधिकार मिला था उस एकाधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इसका अर्थ ये निकलता है कि ब्रिटेन से दूसरी कोई अन्य कंपनी भारत में नहीं आएगी अभी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी ठीक है ना गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति जो पहले मिल चुकी थी ये सत्रह के एक्ट में वैसी की वैसी थी और इसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया ठीक 20 साल कंप्लीट हुए नया एक्ट आ गया 1813 में चार्टर एक्ट 1813 वाला इससे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरीके से भारत पर एकमात्र ब्रिटेन की जो कंपनी थी प्राइवेट वो अधिकार कर रही थी तो उसके एकाधिकार को समाप्त कर देते हैं इसका अर्थ ये निकलेगा कि दूसरी कंपनियां या दूसरे जो लोग थे वो भी यहाँ आ सकते थे लेकिन इसमें दो बातों का एक्सेप्शन है एक तो चीन के साथ व्यापार करना हो और दूसरा चाय के साथ व्यापार करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी उसके अलावा अन्य किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि अब अंग्रेज भारत में खुले हाथों लूट कर सकते थे पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लूट हो रही थी अब हर कोई अहरा गहरा नथु कहरा आकर एवरी टॉम डेक एंड हैरी आके लूट सकते हैं फिर इसी एक्ट के द्वारा ये प्रावधान कर दिया था कि भारत में शिक्षा पर हम एक लाख रुपए बजट के माध्यम से खर्च करेंगे लेकिन ये पैसा लंबे समय तक खर्च नहीं हुआ विवाद ये उलझा दिया गया कि हिंदी मीडियम पर यानी कि देशी भाषाओं के ऊपर शिक्षा प्रणाली तय करें या अंग्रेजी तो लंबे समय तक ये खर्च नहीं किया गया ब्रिटेन से ईसाई धर्म वालों को यहाँ अपना प्रचार करने की छूट दे दी गई तो ये सब बातें 1813 के एक्ट में आ जाती है अगले 20 साल बाद नया चार्टर अधिनियम आया 33 वाला तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम अब क्या हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल कर देते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इस एक्ट के पहले दो चीजों पर एकाधिकार दिया गया था यहां पर कि वो चाय के व्यापार पर और चीन के साथ वही व्यापार करेगी उस व्यापार को भी वापस कर लिया गया ठीक है साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये जो गवर्नर जनरल बना था इसे सैनिक शक्तियां तो चीफ कमांडर की पहले ही दे दी गई थी तो वो शक्तियां इसके पास हैं अब सिविल पावर भी उसको दे दी जाती है यानी पूरी की पूरी सत्ता एक ही व्यक्ति एक ही केंद्र में रख दी जाती है तो इसे हम सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं या हो जाता है भारतीय जो कानून अलग अलग होते थे उन कानूनों को क्लासिफाइड किया गया और वर्गीकरण किया जाता है इसके लिए विधि आयोग की स्थापना भी अठारह के अधिनियम द्वारा की जाती है और थियोटिकली सैद्धांतिक रूप से ये विलियम मेंटिक बना था इस समय भारत का गवर्नर जनरल तो ये कहा गया कि सरकारी नौकरियों में हम भेदभाव नहीं करेंगे जाति धर्म आदि के आधार पर योग्यता के आधार पर सभी को समान अवसर मिलेंगे ये तीन महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं उसके बाद अंतिम चार्टर एक्ट अठारह का आया यहाँ पर अब ये तय हो गया था कि लगभग लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ट्रांसफर हो रहा है और ब्रिटिश इसको अपने सीधे अपने हाथ में लेते जा रहे हैं है ना तो विशेष इसमें कुछ है नहीं आगे चल कर के फिर जब क्रांति हुई या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ अठारह का तो स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेज काफी भयभीत भी हुए थे और डरे हुए भी थे उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि इतनी बड़ी क्रांति भारत में हो गई और हम कोई स्टेप नहीं उठा पाए तब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है नया अधिनियम लेकर आए जैसे हम अठारह के अधिनियम के नाम से जानते हैं है ना 1858 के अधिनियम के नाम से जानते हैं तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गया या हम बोलेंगे कि भारत में ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई गवर्नर जनरल जो हुआ करता था कैनिंग था व्यक्ति वही बना रहा लेकिन इसके पद का नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया यानी कि वायसराय ऑफ इंडिया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पोस्ट नेम ऑफ वायसराय हो गई तो कैनिंग भारत का पहला वायसराय कंपनी के द्वारा नियुक्त तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था नेक्स्ट अगला क्या हुआ कि एक नया पद और क्रिएट किया गया जैसे हम भारत का राज्य सचिव कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं इसकी सहायता के लिए एक पंद्रह लोगों की काउंसिल बनाई गई थी ब्रिटेन में इसे हम भारत परिषद या इंडियन काउंसिल के नाम से जानते थे ये परिवर्तन आ गए अब जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल बना था वो समाप्त कर देंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अब खत्म हो गया तो ये समाप्त हो गया अठारह में कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए का अधिनियम आया तो वायसराय जो कि भारत में होता था गवर्नर जो कि प्रांतों में होते थे उनके अधिकारों को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी की जाती है ये बातें होती रही 1909 के अधिनियम से भी क्वेश्चन आते हैं सिलेबस में ना होने के बाद भी आपको इसके जो प्रावधान है वो याद करना चाहिए 1909 के अधिनियम को हम पहला क्वेश्चन तो यही समझ लें कि इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं तो मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसे जानते हैं मिंटो क्या है तो मिंटो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे और जो मोर्ले हैं वो भारत के राज्य सचिव थे तो दोनों ने मिलकर ये कानून बनाया इसलिए इसे रिफॉर्म्स कहते हैं अब इस कानून के तहत केंद्र में भी विधानसभाएं होती थी और प्रांतों में भी होती थी तो विधानसभा या विधान परिषद तो उनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी जाती है जैसे केंद्र में जो विधान परिषद थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें 16 सदस्य होते थे उनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई क्रांति के परिणाम है कि अब वो भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं तो भारतीयों को ज्यादा इसमें महत्व मिले उनकी सदस्य संख्या बढ़े ये उपाय किए गए थे केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत रखा गया यानी वे लोग वे सदस्य ज्यादा थे जो अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त होते थे लेकिन जो प्रांतों में विधान परिषदें होती थी वहां पर सरकार की जगह पब्लिक के लोगों को ज्यादा यानी जिन्हें हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं उनको बहुमत दिया जाता है केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी आज जिस रूप में हम विधानसभा लोकसभा देखते हैं उसी का ये शुरुआती फॉर्मेट है तो वहां चर्चा सिर्फ कुछ ही विषयों पर नहीं कुछ ज्यादा विषयों पर कर सकते थे यानी कि चर्चा करने का क्षेत्र बढ़ा दिया बजट संबंधी प्रश्न पूछ सकते थे ना ये सब बातें थी लेकिन फिर भी बहुत अधिकार उनको नहीं दिए गए थे तो इस एक्ट उन्नीस के एक्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंग्रेजों की जो काउंसिल थी गवर्नर की जो काउंसिल थी या वायसराय की जो काउंसिल थी उसका मेंबर भारतीय व्यक्ति को भी बना सकते हैं ऐसे व्यक्ति पहले जो भारतीय थे और अंग्रेजों की इस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वायसराय की कार्य परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे मुसलमानों के लिए 1909 में ही अलग से निर्वाचन की व्यवस्था जैसे हम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर किसी क्षेत्र में चुनाव होने हैं तो उस चुनाव में लड़ने वाले कैंडिडेट का आरक्षण तो आज भी हम देखते हैं कोई सीट एस है एस है महिला है ना तो सीटों का आरक्षण तो समझ में तो आता है जैसे लेकिन वोटर का भी आरक्षण कर दिया गया कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो सिर्फ मुस्लिम ही उसे वोट देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपस में लड़ाने के जो बीज थे अंग्रेजों ने काफी पहले बो दिए थे तो मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुने जाते हैं और यही कारण बना कि भारत का विभाजन हुआ एक मुस्लिम राष्ट्र जो था वो पाकिस्तान बना जो आज आटे के लिए सड़कों पर हंगामा कर रहा है अब महत्वपूर्ण एक्ट आता है ये आपके सिलेबस में इसको आप अच्छे से रट लेना एक एक प्रावधान काफी डिटेल में आपको लिखे हुए हैं ये पूरा का पूरा पीडीएफ ऐसा भी है और इसके अतिरिक्त भी काफी चीजें इसमें लिखा ही हैं 1919 के अधिनियम का दूसरा नाम है मॉन्टेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार मॉन्टेंग्यू भारत के राज्य सचिव थे चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय तो दोनों के समय ये कानून बना इसलिए इस नाम से जानते हैं इस कानून के द्वारा क्या किया जाता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया जाता है यानी कोशिश यह की गई अंग्रेजों के द्वारा कि प्रांत जैसे आज हम राज्य कहते हैं कि राज्यों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दे दें ऑटोनोमी दे दें जिससे भारतीय लोगों को ज्यादा अवसर मिले लेकिन केंद्र में हम अपना प्रभाव ही रखेंगे है ना तो केंद्रीय सरकार का ढांचा एकात्मक ही था या सेंट्रलाइज था लेकिन प्रांतों को जरूर थोड़े से अधिकार दिए गए लेकिन जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उसे हम द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो क्लाइव ने शुरू की थी बक्सर के युद्ध के बाद यहां पर प्रांतों में यानी सभी प्रोविंस में डायार्क सिस्टम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो रही है 1919 के अधिनियम के द्वारा एक बात खत्म कब होती है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में और केंद्र में शुरू कर दी जाती है उन्नीस क्या थी द्वैध शासन प्रणाली तो शासन करने के लिए या कानून बनाने के लिए जो विषय होते थे जो टॉपिक थे उनको दो भागों में बांटा गया एक जिन्हें कहा गया हस्तांतरित ट्रांसफरेबल दूसरे जिन्हें कहा गया रिजर्व आरक्षित आरक्षित जो विषय होते थे इसका मतलब है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों में किसको है गवर्नर और उसकी काउंसिल जो काउंसिल बिना किसी इलेक्शन के बनती थी अंग्रेज अपनी इच्छा से उन लोगों को चुनते थे ज्यादातर अंग्रेजों के पसंद के लोग या अंग्रेजों के स्वामी भक्त लोग ही हुआ करते थे तो वो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ इनको मिला है भारतीयों को इस पर कोई डिस्कशन कुछ भी आपत्ति लेने का अधिकार नहीं दिया गया है तो ये हो गया रिजर्व दूसरे विषय जिन्हें हम हस्तांतरित कह रहे थे थे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला था कि जो चुनकर के यानी प्रांतों में जो विधानसभा होती थी ना तो विधानसभा के चुनाव हुए चुनाव के बाद मंत्री बनेगा तो मंत्री वो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखेगा यानी विधेयक प्रस्तुत करेगा विधेयक जाएगा गवर्नर के पास शाइन होने के लिए गवर्नर उसको वीटो करके उस विधेयक को उनसे लेकर अपनी काउंसिल को ट्रांसफर कर लेता था कि कानून अब ये बनाएंगे तो उन्हें हम हस्तांतरित कहते थे तो इसे कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था कि जो जनता के प्रति जिम्मेदार थे उनको कानून बनाने के अधिकार दिए ही नहीं बहुत कम दिए महत्वपूर्ण विषयों पर वो कानून बना ही नहीं सकते ठीक है ये बात हो गई अब इस एक्ट के द्वारा 1919 के एक्ट के द्वारा भारतीय विधान परिषद यानी हम केंद्र की बात कर रहे हैं ना दो सदन बनाए गए केंद्र में अभी सिर्फ केंद्रीय विधान सब परिषद हुआ करती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अब उसके दो पार्ट कर दिए यानी इसे हम बाई केम्लरिज्म बोलते हैं एक जिसे नाम रखा गया स्टेट काउंसिल जो आज राज्यसभा के नाम से जानी जाती है दूसरा जिसे कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय व्यवस्थापिका या विधानसभा जो आज लोकसभा के नाम से जानी जाती है तो ये परिवर्तन 1919 के अधिनियम के द्वारा हुए थे 1909 में सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई 1919 में मुसलमानों के अलावा सिखों के लिए भी ईसाइयों के लिए एंग्लो इंडियन यूरोपीय इनके लिए भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई ये बातें याद रखने की है फिर यहीं पर स्थापित तो होता है लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग ठीक 1919 के अधिनियम में हम सचिव से संबंधित यानी राज्य सचिव से संबंधित कुछ डिटेल प्रावधान याद करेंगे तो यहां समझ लो कि भारत सचिव इसका किस पर नियंत्रण ज्यादा होता था मतलब वायसराय के ऊपर इसका क्या नियंत्रण है गवर्नर जनरल मीन्स हम वायसराय की बात कर रहे हैं तो भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूप में एजेंट के रूप में काम करता था क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है उन्हीं के द्वारा की जाती थी तो ये भारत सरकार भारतीय राजस्व से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करता था इसलिए वह भारतीय वायसराय को कोई भी आदेश दे सकता था है ना इसमें विशेष रूप से कहा गया था कि वायसराय और उसके द्वारा गवर्नर अपने शासन संबंधी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में भारत सचिव को सूचना देंगे अगर कोई गंभीर विषय है तो बिना इसको इन्फॉर्म किए हुए काम नहीं कर सकते और ये जो भी आदेश ऑर्डर निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस देगा उनका पालन इन्हें करना भी पड़ेगा कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति जो थी वो वायसराय बिना भारत सचिव की अनुमति के नहीं कर सकता भारत सचिव को किसी भी अधिकारी को पद से हटाने का अधिकार भी मिला हुआ था कोई भी पद बिना इसकी पूर्व स्वीकृति के समाप्त नहीं कर सकते तो भारत सचिव और वायसराय के रिलेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ भारत का वायसराय एक तरीके से पूरा का पूरा भारत सचिव के अंडर में आ रहा है ठीक है अब आप बात करेंगे हम और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की गवर्नर जनरल को आप वाइसराय से समझेंगे है है ना ठीक क्योंकि नाम परिवर्तन हो गया था अट्ठावन में तो उन्नीस के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की कार्यकारिणी की रचना और शक्तियों में कुछ मौलिक परिवर्तन विशेष तो हुए नहीं जो अधिकार थे वही किसको मिले हुए थे वायसराय और उसकी काउंसिल को मिले हुए थे जनता के प्रतिनिधि यानी चुने हुए जो मंत्री थे उनका कोई नियंत्रण नहीं था ना तो वायसराय पर और ना ही उस वायसराय की काउंसिल के सदस्यों पर ठीक है याद रखना अब हम केंद्रीय विधानमंडल की बात करने जो परिवर्तन आए थे ना कि वहां पर दो सदनीय बना दिया गया था तो पहली बार दो सदन 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुए एक केंद्रीय विधानसभा दूसरा स्टेट काउंसिल केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 125 और स्टेट काउंसिल में कुल सदस्य संख्या 60 थी दोनों को मिला दें तो कुल सदस्य हो जाते हैं 1919 उन्नीस 19 के अधिनियम द्वारा 205 ये जो सदस्य थे ये सब जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं आते थे आज चुनाव जब होते हैं हमारे देश में चाहे वो लोकसभा का हो विधानसभा का हो पार्षद का हो सरपंच का हो अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाता उनका जन्म उनका जेंडर उनका किसी भी आधार पर देते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था ये सारे के सारे जो लोग थे अलग अलग वर्गों से चुने जाते थे यानी एक सदस्य एक यानी टोटल 205 में से 152 मेंबर जो थे वो सामान्य 30 मुसलमानों के द्वारा दो सिखों के द्वारा नौ नौ सदस्य यूरोपियों के द्वारा सात जमींदारों के द्वारा और चार जो वाणिज्यिक संबंधित संगठन बने होते थे उनके द्वारा चुने जाते थे ठीक है ना इनके अतिरिक्त यहां पर मनोनीत सदस्य भी हुआ करते थे मनोनीत सदस्य का मतलब यह होता है इनका इलेक्शन नहीं होगा ये तो ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से मनोनीत करेगी तो जिसमें 26 होते थे सिर्फ सरकारी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव चला अधिकारी उन्हीं को बना देते थे और पंद्रह गैर सरकारी गैर सरकारी भी ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया वो व्यक्ति जो अंग्रेजी हित में सोचता है सचेत महात्मा गांधी तो उस प्रकार से ये बना सकते थे केंद्रीय विधानसभा का जिसे आज लोकसभा कहते हैं कार्यकाल पांच साल होता है लेकिन पहले ये कार्यकाल इसका तीन साल का होता था और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी अलग अलग वर्गों में करवाया जा रहा है ये केंद्र की बात है ना प्रांतों में ऐसा नहीं जैसे आज हम संसद की बात करें तो लोकसभा की सीटें अलग अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें उनतीस ना तो मध्य प्रदेश से उन्तीस सीटें हैं यूपी से सबसे ज्यादा है ये विभाजन थोड़ा सा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है मगर पहले सीटों को लेकर प्रांतों में निश्चित कोई पैमाना नहीं था है ना कोई निश्चित नियम नहीं था जो प्रोविंस जो प्रांत अंग्रेजों को ज्यादा महत्वपूर्ण लगता था वहां पर ज्यादा सदस्य बना दिए उन्होंने और जो प्रांत जो प्रोविंस उन्हें उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था वहां पर कम स्थान देते थे जैसे पंजाब की हम बात करें आबादी इसकी बिहार और उड़ीसा से कम रही लेकिन फिर भी उसे अधिक स्थान दिए गए ठीक है ना क्योंकि पंजाब अंग्रेजों को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता था आज भी अगर आप देखोगे तो पंजाब को केंद्र सरकार भी विशेष महत्व देती है अभी कृषि कानूनों पर विरोध पंजाब के किसानों के द्वारा ही किया गया था मूल रूप से दक्षिण भारत के किसान तो पहुंचे भी नहीं थे फिर भी सरकार ने वो तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए ठीक है ना केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों यूरोपियों सिखों के कैसे रखा जाए तो वही कम्युनल अवार्ड सिस्टम के उन उस कम्युनिटी को सिर्फ उसी कम्युनिटी के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा जमींदारों भारतीय वाणिज्यों के लिए भी अलग से बनाए गए एंग्लो इंडियन भी अलग थे ईसाई भी अलग थे यानी जितना हो सकता है इस समाज को बांट दो विभाजित कर दो वोट देने का आधार ऐसा नहीं था कि हर कोई वोट डाल सकता है वे लोग जो सरकार को आयकर देते हैं या कोई भूमि कर देता है या कोई अन्य टैक्स भरता है तभी वो वोट दे सकता है बिना इसके हर किसी को वोट नहीं दे सकते ठीक है तो संपत्ति को माना गया था लेकिन संपत्ति को लेकर के भी एक जैसे नियम नहीं बने थे नेक्स्ट अब बात करते हैं कि केंद्रीय विधानसभा उसके जो पदाधिकारी यानी अध्यक्ष जो रहेगा ना तो केंद्रीय विधानसभा का पहला सभापति चार साल के लिए था आज जैसे हम स्पीकर बोलते हैं ये वायसराय के द्वारा मनोनीत होता था आज क्या वायसराय मनोनीत करता है अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें अध्यक्ष की तो वो कैसे बनता है सदस्यों के द्वारा ठीक है ना और इसके बाद यानी पहला जो सभापति बना था वो वायसराय ने नॉमिनेट किया था लेकिन आगे चल करके वो अपने सदस्यों में से चुन सकते ठीक। लेकिन चुनने के बाद भी वायसराय चाहेगा तो बनेंगे वायसराय मना कर देगा तो नहीं बन सकते अवधि मालूम थी हमें तीन साल थी लेकिन वायसराय अपनी इच्छा अनुसार इस अवधि को कम या ज्यादा कर सकता था आज ऐसा नहीं होता है आज अगर लोकसभा की अवधि को बढ़ाना है तो इसके लिए क्लॉज है क्या आपातकाल लगा हो तब बढ़ा सकते हो छह महीने के लिए ना अब केंद्रीय विधानसभा जिसे लोकसभा के रूप में हम आज समझ रहे हैं उसकी उस समय क्या शक्तियां थी कानून बनाने संबंधी क्या शक्तियां थी तो केंद्रीय विधानसभा को यह अधिकार था कि केंद्रीय सूची में जो विषय दिए गए हैं उनके लिए वो भार, ब्रिटिश भारत की जनता के लिए कानून बना सके मगर वायसराय की पूर्व अनुमति से वह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकते थे ठीक है ना 1919 सौ ईस्वी के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो ब्रिटिश संसद के प्रावधानों के विपरीत हो या उसके असर को कम करता हो या फिर भारतीयों के लिए कोई संविधान बनाने की बात करता हो यानी सिर्फ ये दिखाने के दांत थे कि आप कर सकते हो मगर वही जो अंग्रेज चाहेंगे इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते बजट वित्तीय संबंधी शक्तियां अगर हम देखें तो बजट जो था पहले केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत करते थे तो आज भी बजट सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं ये कोई भारतीय प्रणाली नहीं है ये अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम है जिसे हम अपना रहे हैं तो बजट वहां प्रस्तुत किया जाता था उसके बाद स्टेट काउंसिल में भेजते थे वही काम आज करते हैं बजट पहले दो भाग में होता था आज भी दो भाग में होता है ना पहले भाग में व्यय यानी सरकार कहाँ कहां खर्च करेगी दूसरा भाग वो जिसमें इनकम होगी ये सारी बातें होती थी बजट में केंद्रीय विधानसभा डिस्कशन कर सकती है बहस कर सकती है लेकिन हर बात पर वो वोट नहीं करा सकती तो ये कह सकते हो कि एट्टी फाइव परसेंट जो हिस्सा होता था उस पर केंद्रीय विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं अगर सौ रुपए खर्च करते है सरकार अंग्रेजी पिचासी तो रुपए पर तो कुछ भी नहीं कह सकते आप बोल भी नहीं सकते सिर्फ पंद्रह रुपए पर कुछ बोल सकते थे ना ठीक है और पंद्रह परसेंट भाग में उसमें कटौती कर सकती थी पंद्रह का आप चौदह कर दो तेरा कर दो लेकिन ये नहीं कि नहीं हम पंद्रह नहीं देंगे कैंसिल नहीं कर सकते तो ये पॉइंट याद रखना उन्नीस उन्नीस वाले इसके बाद कार्यकारिणी परिषद की बात करें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी होती थी तो कार्यकारिणी एक तरीके से स्वतंत्र थी वायसराय की वो कार्यकारिणी के किसी भी मेंबर को विधानसभा केंद्रीय विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकती ठीक है ना उनसे प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हो आप बात कर सकते हो लेकिन वो मजबूर नहीं कर सकते कि वो उस प्रश्न का जवाब देंगे ही उनकी आलोचना कर सकते हो लेकिन मजबूर नहीं कर सकते तो कोई विशेष अधिकार नहीं था राज्यसभा की बात करें जैसे स्टेट काउंसिल या उच्च सदन बोलते थे सदस्य संख्या 1919 उन्नीस के अधिनियम द्वारा बढ़ाकर साठ की गई थी तैतीस सदस्य चुने जाएंगे सत्ताईस होंगे मनोनीत और मनोनीत सदस्यों में भी क्या रखा गया था कि सत्रह सरकारी होंगे और दस गैर सरकारी होंगे तो तैतीस जो सदस्य होते थे वो भी अलग अलग ग्रुपों से दिए जाते थे राज्यसभा का चुनाव अब पूरे भारत में यानी टोटल राज्यसभा की सीटें हैं साठ पूरे भारत में मात्र सत्रह हजार लोग ही उन सीटों को चुन सकते हैं जबकि उस समय भारत की आबादी काफी ज्यादा थी यानी वे लोग जो पूंजीपति हैं वे लोग जो जमींदार हैं यानी वे लोग जो अंग्रेजों के रक्षक हैं अंग्रेजों के तैहसी हैं वही लोग इनको चुन सकते हैं और चुनने का योग्यता का पैमाना एक समान नहीं था वे लोग ही चुन सकते थे जिन जो टैक्स भरते थे जैसे मद्रास का उदाहरण है तो मद्रास में उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनकी वार्षिक आय तीन हजार रुपए थी तब उन्नीस में आए तो 2023 ये 3000 आज के समझ लो कितने होंगे वार्षिक 300 करोड़ होना चाहिए नेक्स्ट अगले पर चले राज्यसभा को क्या शक्तियां क्या अधिकार मिले हुए थे हम उसकी बात कर राज्यसभा केंद्रीय विधानसभा के समान उन विषयों पर कानून बना सकती थी जो केंद्रीय विषय कहलाते हैं लेकिन कानून तभी बनेगा जब राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा दोनों पास कर दें आज भी कानून तभी बन सकते हैं और उसके बाद वायसराय के पास भेजा जाता था बजट में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं था थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करते थे तो ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान था आज भी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है एक संविधान का अनुच्छेद उसमें लिखा हुआ है वायसराय को कई अधिकार थे लेकिन कुछ विशेष अधिकार 1919 के अधिनियम के प्रति दिए गए थे है तो ना तो वायसराय ना तो केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदाई था ना अपनी काउंसिल के प्रति उत्तरदाई था वो उत्तरदाई किसके प्रति था भारत के राज्य सचिव के प्रति तो वायसराय को कानूनी अधिकार था कि वह किसी भी विधेयक की किसी भी धारा पर विचार करने के लिए संशोधन करने को कह सकता है रोक सकता है अगर उसे लगता है कि इस विधेयक के किसी प्रावधान द्वारा उसे लगता है मात्र होता नहीं है कि शांति भंग हो सकती है तो वो उस या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो उसको कैंसिल कर देता था वीटो कर देता था ठीक कोई प्रश्न पूरक प्रश्न उसका उत्तर देने से मना कर सकता था आप लोग पेपर दो पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप कह सकते हो नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा बोला जवाब तो देना पड़ेगा भाई सही दो या गलत दो लेकिन वो बोला मैं जवाब ही नहीं दूंगा दोनों सदनों में आवश्यक उपस्थिति के नियम बना सकता था कई सारे विधेयक उसकी पूर्व अनुमति के ही रखे जा सकते हैं आज भी ये प्रावधान लिया गया है, वित्त संबंधी ना प्रांतों और केंद्रीय बिलों दोनों पर यानी देखो आज प्रांत में कोई कानून बनता है तो हर कानून राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता कुछ ही कानून राज्यपाल रिजर्व करता है मगर पहले हर कानून रिजर्व करते थे और वो भी वायसराय क्या करता था ब्रिटिश सम्राट के लिए रिजर्व कर सकता था याद रखना 1919 के अधिनियम में प्रावधान यह है कि प्रांत से या केंद्र से जो विधेयक पास हुआ है तो उस विधेयक को वो ब्रिटिश सम्राट की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता था ठीक है दोनों सदन अड़ जाए कि मैं कानून नहीं बनाऊंगा तब भी वो अध्यादेश ला करके कानून बना सकता था ठीक? अधिवेशन नहीं चल रहा है तो अध्यादेश अध्यादेश की अवधि पहले भी छह महीने होती थी आज भी छह महीने होती है वित्तीय शक्तियां बहुत ज्यादा थी तो सब कुछ इसी के पास था एक प्रकार से तो जो हम ये प्रावधान देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान जो है इसके अधिकांश प्रावधान अंग्रेजों ने ही बनाए हैं और उन अधिकांश प्रावधानों के अलावा जो प्रावधान है वो दूसरे देशों से ले लिए गए मौलिकता का इसमें घोर रूप से अभाव हाँ है मौलिकता का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपने बनाया हो आपकी सोच हो ऐसा इसमें निश्चित रूप से कमी देखने को मिलती है आप कोई भी टॉपिक उठाओ उसका सीधा सीधा है। आज हम बात करो राष्ट्रपति का पद हो राष्ट्रपति की शक्तियां हो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया हो अध्यादेश हो विशेषाधिकार हो क्या हमारा है कुछ भी नहीं नेक्स्ट 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी द्वैध शासन प्रणाली को अगर डिटेल में हम देखें तो यहां मुद्दों को दो भागों में बांटा गया था एक केंद्रीय और दूसरे प्रांतीय प्रांतों में द्वैध शासन किया गया था अब केंद्र यानी कि संसद कौन से विषयों पर कानून बना सकती थी तो उस समय सैतालीस विषय थे जिन पर प्रांत कोई कानून नहीं बना सकते सिर्फ केंद्र बना सकता है वे कानून जो राष्ट्रीय महत्व के होते थे जैसे डिफेंस हो गया विदेश संबंध हो गया देश से बाहर की यात्राएं हो गई ये सब चीजें इसमें आती थी है ना प्रांतीय विषयों पर अगर वायसराय ये अनाउंस कर देता है घोषित कर देता है कि ये नेशनल इंपोर्टेंस का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाएगा प्रांतों में आरक्षित तो हस्तांतरित चल रही थी ये हम समझ चुके हैं। तो ये तो व्यवस्था थी केंद्र संबंधी 1919 19. के अधिनियम में अब आते हैं प्रांत संबंधी प्रांतीय विधानमंडल इसमें ये कहा गया था कि कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य जो होंगे वो चुने हुए होंगे यानी जो शुरुआत में बात थी कि प्रांतों में ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कोशिश की थी कि भारतीय लोगों को हम हिस्सा देंगे मगर वे भारतीय लोग जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे चुने गए सदस्य और सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ इसमें नॉमिनेटेड भी होते थे प्रांतों में चुने हुए सदस्यों की मेजोरिटी रखी गई थी जबकि केंद्र में बिना चुने हुए सदस्य है ना हरिजनों को अधिक महत्व देने के लिए उनके नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई फिर इसमें विधान परिषद के पदेन सदस्य भी बनाए गए गवर्नर की उसमें काउंसिल में अब प्रांतों में भी वोटिंग का अधिकार वो भी एक जैसा नहीं था यहां पर भी अंग्रेजों ने गेम खेला है जैसे कि वोट देने का दायरा तो बढ़ाया जैसे उस समय अगर हम बात करें कि ब्रिटिश भारत में आबादी थी 24 करोड़ 17 लाख 24 करोड़ 17 लाख लोग थे और वोट कितने लोग दे रहे थे मात्र त्रेपन लाख कितने परसेंट निकलता है सोच के देखो यार यानी कुछ ही प्रतिशत लोग मात्र वोट दे रहे थे ढाई प्रतिशत होता है तो ढाई परसेंट लोगों की इच्छा के आधार पर यह सारा काम कर रहे थे ये ढाई भी वो लोग थे जो अंग्रेजी मानसिकता में लगभग फिट होते थे अब वो व्यक्ति वोट दे सकता है जो कर देता था कर नहीं देता है वोट नहीं देंगे है ना? तो सामान्य चुनाव क्षेत्र मुसलमान चुनाव क्षेत्र गैर मुस्लिम चुनाव क्षेत्र ईसाई चुनाव क्षेत्र ऐसे तो निर्वाचन होता था ऐसे नहीं होता था कि इंदौर लोक विधानसभा क्षेत्र नहीं यहां ऐसे करके चलता था विधान तो परिषदों को यानी जो जिसे हम विधानसभा कहते हैं उसकी क्या शक्तियां थी देखो कानून बना सकते थे लेकिन अधिकांश कानून में उसे अपने गवर्नर की पूर्वानुमति चाहिए विधान परिषद से पारित हो गया उसके बाद गवर्नर जब तक साइन न करे तब तक कानून नहीं बन सकता था ठीक है कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जो ब्रिटिश कानून का विरोध करता हो या ब्रिटिश कानून की शक्तियों को कम करता हो या उस पर विपरीत प्रभाव डालता हो गवर्नर किसी भी बिल को विधेयक को वापस भेज देता था पुनर्विचार के लिए या उसे रिजर्व कर देगा कि इस पर सिग्नेचर कौन करेगा वायसराय वायसराय रिजर्व कर देता था कि इस पर साइन कौन देगा ब्रिटिश सम्राट देगा है ना वित्तीय शक्तियां इनके पास काफी सीमित होती थी सत्तर परसेंट जो व्यय था उस पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं मात्र तीस पर विधान परिषद जो थी वो अपना निर्णय दे सकती थी ये था 1919 का अधिनियम इसके बाद फिर 1935 पर भी चलेंगे लेकिन साइमन कमीशन जो आता है साइमन कमीशन आया इसी 1919 के अधिनियम की जांच पड़ताल करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान था कि हम 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करेंगे लेकिन 1927 में ही इसे बना दिया गया समय से पहले बना दिया गया दूसरा एक भी मेंबर भारतीय नहीं था इसलिए इसका विरोध किया गया लेकिन फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की इसी रिपोर्ट पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है ना सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ना कम्युनल अवार्ड तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तीन गोल में सम्मेलन हुए उसके बाद अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड ने अनाउंसमेंट किए घोषणा की, की जिसे हम सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं ठीक तो है तो यह सांप्रदायिक अधिनियम नेक्स्ट अब आ जाते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम सिलेबस के अनुसार ये अंतिम अधिनियम हो जाएगा ये अधिनियम काफी विस्तृत था बड़ा था हमारे संविधान का पूरा आधार यही बनता है तो यह अधिनियम 1932 में जो ब्रिटिश सरकार ने एक व्हाइट पेपर तैयार किया था उस पर आधारित था इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी लेकिन आगे चल करके इसमें प्रस्तावना जोड़ी जाती है तो इस अधिनियम में यह कहा गया कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे ठीक है अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे छह चीफ कमिश्नरी प्रांत होंगे और इसमें देशी रियासत भी मिलेंगी तो जब इसने देशी रियासत का क्लॉज डाला तो यह नहीं बना क्योंकि जो स्वतंत्र थे देसी राजा थे वो क्यों अपनी सत्ता छोड़ने लगे इसी में प्रावधान था कि अलग अलग विषयों पर कानून बनाने के लिए तो जैसे संघ सूची हुआ करती थी इस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा राज्य सूची में राज्य सरकारें बनाएंगी समवर्ती में दोनों बनाएंगी तो उनमें विषयों की संख्या क्रमशः संघ सूची में फिफ्टी नाइन राज्य सूची में फिफ्टी फोर और समवर्ती में छत्तीस हुआ करती थी इसके अलावा अन्य कोई विषय आया तो वो से कहते थे अवशिष्ट शक्तियां रेफ्यूडरी पावर जिस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को मिला हुआ था इस 1935 अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि 11 प्रांतों में से प्रांतों में दो सदन बना दिए जैसे कई राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है तो वो 11 प्रांत में जिसमें ब्रिटिश सरकार थी वहां छह प्रांतों में अब विधानसभा और विधान परिषद काम करेगी यही बाई एम्बरेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया इस एक्ट के द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई थी वो समाप्त कर दी गई लेकिन यही प्रणाली अब केंद्र में स्टार्ट कर दी गई गवर्नरों को विशेष अधिकार दिए गए इस अधिनियम में प्रावधान था कि हम एक संघीय न्यायालय बनाएंगे फेडरल कोर्ट बनाएंगे 1937 में ये फेडरल कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल अलग है भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल जो हुआ करती थी ना जो अठारह की क्रांति के बाद बनाई गई थी इसमें पंद्रह सदस्य होते थे अब उसका महत्व खत्म हो गया तो उसे समाप्त कर दी गई सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अंग्रेजों ने और ज्यादा बढ़ा दिया यानी यहाँ कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों को भी हिंदू से अलग ग्रुप मान लिया और उनके लिए भी ये सब की गई ठीक है वर्मा भारत में अलग हो जाता है उसको अलग कर देते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई तो ये प्रमुख प्रावधान 1935 के अधिनियम हो जाते हैं फिर स्थितियां बिगड़ी इवन हमारे देश को जो आजादी मिली इस आजादी के वास्तविक अंग्रेज डरे हुए थे तो किससे डरे हुए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आजाद हिंद फौज की जो सेना थी उसके डर की वजह से इनको देश से छोड़ने के भागना पड़ा इतिहास में हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस ने, ने बहुत सारे आंदोलन चलाए वास्तविकता अगर खुद देखें तो कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन जब से ही था था ना समझौता हुआ गांधी इरविन इरविन के साथ वार्ता करने के बाद कांग्रेस ने कोई आंदोलन नहीं चलाया जो अंग्रेजी सत्ता को यहां से भगाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा हो ये कब हुआ था सिविल डिस मूवमेंट है ना और आजादी हमें मिली सैतालीस में सत्रह साल तक कांग्रेस खामोश बैठी थी तो आजादी मिली कैसे उस दौरान क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से इन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में ही उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि देश से जाना पड़ा तो 47 आते-आते स्थितियां कुछ अलग हो गई अब आगे क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन उसकी योजना के आधार पर यह तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा एक मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनेगा और दूसरा चार जुलाई उन्नीस को ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित कर दिया ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई को अपनी अनुमति प्रदान कर दी और 15 अगस्त सैतालीस को यह लागू हो गया दो राष्ट्र अलग हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान ठीक अब इसके बाद की स्थिति जो है यानी अब हमारा हम संविधान बनाया जाएगा संविधान के अनुसार काम होंगे कुछ प्रमुख फैक्ट देख लो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव अंतिम गवर्नर वारेन एस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन एस्टिंग्स अंतिम विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक अंतिम कैनिंग भारत के पहले वाइस राय कैनिंग अंतिम माउंट वेटन स्वतंत्र भारत के फिर आज़ादी के बाद फिर से इस पद को गवर्नर जनरल बोलने लगे तो माउंट वेटन भारत के पहले भारतीय वायस राय राजगोपाल अंतिम गवर्नर जनरल या वायस राय राजगोपाल फिर ये पद खत्म हो गया और अब राष्ट्रपति आ जाता है ये कुछ ईयर हैं ये भी आपको याद कर लेना चाहिए कि मद्रास भारत का पहला नर नरक नगर निगम है ठीक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो सोलह में बना भारत में जिला कलेक्टर का पद सत्रह में हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया डिविजनल कमिश्नर का पद अठारह में विनियम मेंटिक ने बनाया कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की शुरुआत अठारह में की ये अठारह का ईयर थोड़ा सा चेक करेंगे हाँ उनसठ होगा करेक्ट बजट प्रणाली 1807 में प्रारंभ हुई थी भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास 72 में हुआ था मेयो के द्वारा मेयो की हत्या हो गई तो अधूरा रहा और व्यवस्थित जनगणना अठारह में हुई थी रिपन के समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी रिपन के समय हुई थी बंगाल का विभाजन करजन ने 1905 और करजन ने टेन्योर सिस्टम टेन्योर सिस्टम को हम कार्य प्रणाली कहते हैं जैसे यदि आप मान लो आई एस बने तो कैडर मिलता है ना आपको स्टेट वाइज मान लो आप एम में आई ऑफिसर हैं यहाँ पर फील्ड में काम करने के बाद फिर आपको कुछ समय के लिए सचिवालय में भेजा जाता है लगभग तीन साल के लिए तीन से पांच साल का कार्यकाल रहता है तो फील्ड में क्या समस्याएं आती हैं क्या कठिनाइयां आती हैं नीतियों के क्रियान्वयन में उसकी जानकारी आपको होती है तो उस समय आप दोष देते हैं किसको कि ऐसी पॉलिसी बना दी है वैसी पॉलिसी बना दी है इनको मालूम नहीं फील्ड में क्या आता है तो जब आप सचिवालय जाते हैं तो आपको फील्ड की परेशानियों का पता है तो पॉलिसी बनाते समय आप उनका ध्यान रखते इस सिस्टम सिस्टम को टेन्योर सिस्टम कहते हैं जो करजन ने स्टार्ट किया था महत्वपूर्ण कमेटी है लोकसभा की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी 1921 में ही जो रेल बजट था वो सामान्य बजट से अलग किया गया 2017 में फिर से पुनः एक साथ कर दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक एक अप्रैल उन्नीस को बना ये अधिनियम दो महत्वपूर्ण थे 1919-1935 लेकिन जो महत्वपूर्ण इनके अलावा भी थे वो भी कंप्लीट हो गए तो ये पूरा का पूरा जितना अधिनियम संबंधी था एक लेक्चर खत्म हो जाता है कल के लेक्चर में हम संविधान सभा उससे संबंधित ये सारी समितियां है ना उसके बाद विधायिका कार्यपालिका की परिभाषा डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और फिर चलेंगे मौलिक अधिकारों पर सिलेबस के अनुसार जो फंडामेंटल राइट दिए गए मौलिक अधिकार पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे ड्यूटीज पढ़ेंगे पांच मुश्किल से पांच लेक्चर के अंतर्गत ये पॉलिटी खत्म करेंगे ठीक